हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। और मैंने, आप जानते हैं, वीडियो डाला, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, एक लेटर भेजा था अथॉरिटी को नोएडा की, कि वो जो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें बिल्डर्स 143 भी करवाते हैं, आबादी क्षेत्र भी बताते हैं और फिर भी रजिस्ट्री भी होती है, सब कुछ होता है। तो उसके बाद भी आप मतलब एक्शन ले लेते हैं कि इलीगल है या क्या है क्या नहीं, तो एटलीस्ट को क्या माने, हम किस चीज़ को माने जिसके बेस पर कि हाँ भाई अगर ये फ्री होल्ड भी है तो हम चलो इस पर सोच सकते हैं। तो उस पर अथॉरिटी का जवाब आया है, और अथॉरिटी का जो जवाब हमारे पास आया है वो पर्टिकुलर, ईमानदारी से बताऊं तो उन्होंने कुछ नोटिफाई एरिया के बारे में ही अपने बोला है अभी फिलहाल। तो क्या बोला है, मैं आपको एज इट इज बता देता हूँ और आप स्क्रीन पे देख भी लीजिए। वो कह रहे हैं कि नोएडा विकास प्राधिकरण, नोएडा के विकास प्राधिकरण की जो नोटिफाई एरिया है, नोटिफाई एरिया है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अनुसार बिना नोएडा की अनुमति के यदि कोई निर्माण करता है, फ्लैट बनाता है, ध्यान रखना फ्लैटों का भी साथ में जिक्र हो गया इसमें, तो वह अवैध निर्माण, अवैध फ्लैट की, अवैध निर्माण या अवैध फ्लैट उसमें अवैध, पूरी तरह से अवैध है, उसी श्रेणी में आता है। नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र, यानी वो नोटिफाई एरिया की बात कर रहे हैं इस टाइम, अधिसूचित क्षेत्र का मतलब के अंतर्गत जो 143 है, एक तो हो गया भाई जो अधिसूचना में नहीं है वहां 143 कराई जा रही है, उसके बारे में इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा जो नोटिफाई जमीन है उसका जो 143 है उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि भाई ये नोटिफाई में अगर है तो इसकी 143 हो रखी है तो क्या, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तहसील से लेनी होगी। यानी आपको अगर कोई ऐसी जमीन नजर आ जाती है जो कब खरीद रहे हो, ये नोटिफाई में है और लेकिन 143 हो रखी है, तो एक बार आप तहसील में आपको इसके लिए जाना पड़ेगा नोटिफाई जमीन के लिए। इसमें इन्होंने जो नोटिफाई एरिया नहीं है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करा है। अब इसको मैं क्या मानूं, मतलब वो ठीक है फिर, उसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि नोटिफाई तो मामला क्लियर, एकदम क्लियर कट कर दिया उन्होंने ये 41-43 को लेकर भी और वैसे भी। अब जो नहीं है उसका क्या, वो अभी मैं देखता हूँ उसमें और क्या डाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी अपडेट आई थी, तो एंड ऑफ द डे फिर चीज वहीं आ जाती है लगभग लगभग कि उन्हीं बिल्डर्स के पास जाइए जो अच्छे से आपको पहले ही प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, जिन्होंने सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, तो एक बार उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि अप्रूव्ड में तो समस्या है, क्योंकि अप्रूव्ड कहाँ से खरीदेंगे आप, 1.25 करोड़ से नीचे विला नहीं मिलने वाला। अथॉरिटी के प्लॉट्स आप देखते हो, मैं वीडियोस लाता ही हूँ, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए मीटर रेट, बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। चलो यार कोशिश करता हूँ, कुछ और तरीका ढूंढता हूँ, कुछ और मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट जाता हूँ वहाँ नोएडा अथॉरिटी आप लोगों के लिए, देखता हूँ क्या बोलते हैं वो लोग। चलिए, थैंक यू।